हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से चैप्टर चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड इसमें से यह 12वां पार्ट है, जिसमें से टॉपिक है ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित ग्रंथियों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एंड इससे 3 वीडियोज हो गए हैं, इससे चौथा वीडियो है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। एंड 100 से ज़्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के भी हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो क्वेश्चन है कि एक ही हार्मोन के कई नाम हो सकते हैं, निम्न में ऐसा कौन है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ADH यानी कि एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन का नाम पिट्रेसिन भी है और उसको वेसोप्रोसिन भी बोला जाता है। तो एक ही हार्मोन को एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, पिट्रेसिन, वेसोप्रोसिन बोला जाता है। नेक्स्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अल्प स्त्राव से कौन सा रोग हो जाता है? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के अल्प स्त्राव से एडिसन रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एडिसन रोग, ठीक है। और एडिसन रोग होता क्या है? इसमें खनिज व जल की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे रक्तदाब कम हो जाता है, और रुधिर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और इसका लक्षण क्या होता है दोस्तों? कि त्वचा का रंग कांस से बढ़कर हो जाता है, इससे पेशियां, जिगर व मस्तिष्क कमजोर और उपापची दर यानी BMR और शरीर का ताप घट जाता है, भूख की कमी, मितली, घबराहट, हाथों, गर्दन, कभी कभी अन्य भागों की त्वचा में भी मिलेरिन के कारण अजीब सा कांस से बढ़ हो जाता है, ठीक है। और ठंडी, गर्मी, संक्रमण आदि के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, रोगी कुछ दिनों में मर जाता है, ठीक है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स नष्ट होने पर व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है, ये भी ध्यान में रखिए। और मुख्य कारण है कि मूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन। इसीलिए दोस्तों, इस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन बोला जाता है, एड्रिनलिन हार्मोन को। नेक्स्ट है, न्यूरोहाइपोफाइसिस से क्या स्त्रावित होता है? तो दोस्तों, न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, अग्रपाली और पश्चपाली। अग्रपाली यानी इंटीरियर लोब को एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं और पश्चपाली यानी कि पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो अग्रपाली से 7 हार्मोन से स्त्रावित होते हैं और पश्चपाली यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन स्त्रावित होते हैं, जिसे वेसोप्रेसिन यानी कि एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन होता है। नेक्स्ट दोस्तों, पिट्यूटरी से स्त्रावित हार्मोन का रासायनिक स्त्राव होता है। तो क्या होता है रासायनिक स्त्राव हार्मोन का? तो हार्मोन है तो क्या हो जाएगा? सभी प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जितने भी हार्मोन है पिट्यूटरी से स्त्रावित, वो सभी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी द्वारा किसकी स्त्रावण क्रिया का नियंत्रण नहीं होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपका एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल कॉर्टेक्स नहीं, एड्रिनल मेड्यूला भाग जो होता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट है, ग्लूकेगॉन का स्त्रावण कहाँ होता है? तो दोस्तों, ग्लूकेगॉन का स्त्रावण जो है लैंगेनहेंस के दीपिका यानी कि जो पैंक्रियाज होता है, अग्नाशय, उसमें लैंगेनहेंस की दीपिका होता है, उसके अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन का स्त्रावण होता है, जो ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण जो होता है दोस्तों, वह होता है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन यानी कि FSH। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि को निकाल देने पर रुधिर के सीरम में सोडियम की मात्रा कम और पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है,
क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एड्रिनल कार्टेक्स सिकुड़ गया, क्योंकि क्या हो जाता है? एड्रिनल कार्टेक्स सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट है वृषण यानी टेस्टिस से एंड्रोजन के स्त्रावण का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका नियंत्रण दोस्तों होता है आपका ल्यूटिनिंग हार्मोन से। किससे? ल्यूटिनिंग हार्मोन से। तो ल्यूटिनिंग हार्मोन्स जो होता है इससे, ये आपका गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स के अंतर्गत आता है। तो ल्यूटिनिंग हार्मोन्स जो होता है महिलाओं में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एवं पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन एंड्रोजन के उत्पादन में, इसे नियंत्रण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन व एंजाइम में मुख्य समानता होती है? तो क्या समानता होती है दोस्तों? कि दोनों की कम मात्रा आवश्यक होती है। नेक्स्ट है किसके इंजेक्शन लगाने पर उपापचय दर बढ़ जाता है? दोस्तों हमारे शरीर की सभी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है, उपज क्रिया करता है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला, तो यहाँ पे थायरॉक्सिन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ स्त्रावित होता है? तो कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन जो है वह पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑक्सीटोक्सिन का स्त्रावण कहाँ से होता है? तो ऑक्सीटोक्सिन का स्त्रावण जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से होता है। और यह ऑक्सीटोक्सिन करता क्या है दोस्तों? यह ऑक्सीटोक्सिन जो होता है वह दुग्ध उत्पादन में महत्व रखता है। किसमें? यानी कि दूध का स्त्राव करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि टी एस एच का पूरा नाम क्या है? तो टी एस एच का पूरा नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह पीयूष ग्रंथि से निकलता है जो थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन मनोभावनाओं को गड़बड़ा देता है? तो कौन सा हार्मोन है दोस्तों जो मनोभावनाओं को गड़बड़ा देता है? वो होता है आपका एड्रिनेलिन हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन एड्रिनेलिन। यह क्या करता है? यह हमारे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से निकलने नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को नियमित करता है। यह विषम परिस्थितियों का नियंत्रण हार्मोन भी कहा जाता है। यह कार्यकारी अंगों यानी इफेक्टर्स ऑर्गन के अल्फा बीटा रिसेप्टर्स में को प्रभावित करता है, यानी कि अल्फा रिसेप्टर्स पर प्रभावी होने के कारण यह एपिनेफ्रिन यानी कि अरेखित पेशियों को उत्तेजित करता है। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन यानी कि फाइट एंड फ्ले हार्मोन भी बोला जाता है, और इसके पेस मेकर भी, ग्रंथियों का प्रेस पेस मेकर भी बोला जाता है। क्योंकि यह दोस्तों एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, अतः तो मानसिक तनाव की स्थिति में अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जैसे कि क्रोध आने पर, डर लगने पर, घुटन होने पर, घबराहट होने पर, भूख लगने पर, ये बढ़ जाता है, जिससे कारण रक्तदाब भी बढ़ जाता है, परंतु अंतरांगों की जो क्रिया होती है वह धीमी हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों मधुमेह का संबंध किससे है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मधुमेह का संबंध लैंगरहैंस द्वीप समूह से हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पेंक्रिया यानी कि अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिका होती है, जिससे बीटा कोशिका से आपका निकलता है इंसुलिन हार्मोन, जिसके कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इंसुलिन की रासायनिक रचना का अध्ययन किसने किया था? तो इंसुलिन की रासायनिक रचना का अध्ययन किया था सैंगर ने। किसने? सैंगर ने। नेक्स्ट है आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है? तो आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा दोस्तों थायराइड ग्रंथि में होती है। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि बाह्य स्त्रावी एवं अंतः स्त्रावी दोनों का कार्य करती है? तो कौन करती है? तो आग्नाशय।
जिसमें से हार्मोन्स एंड एंजाइम दोनों स्त्रावित होता है। नेक्स्ट है ग्लूकागन के अति स्त्रावण से हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों? ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। यहाँ पे टिटैनी जो होता है वह पैराथार्मोन यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले पैराथार्मोन की कमी से होता है, ठीक है। एंड डायबिटीज इंसिपिडिस जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि के कम उत्पादन से होता है। एंड एक्रोमिलेगी जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि के अधिक स्त्राव से होता है। तो यहाँ पे ग्लूकागन के अतिक्रमण से अति स्त्राव से आपका ग्लाइकोसूरिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है जो हार्मोन शरीर के संतुलित वृद्धि यानी प्रॉपर ग्रोथ के लिए आवश्यक है वह स्त्रावित होता है, तो वह आपका पिट्यूटरी के अग्रपिंड से एंटीरियर भाग से एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका स्त्रावित होता है। नेक्स्ट दोस्तों FSH तथा LH हार्मोन दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? तो दोनों मिलकर दोस्तों कहलाते हैं गोनोडोट्रॉफिक हार्मोन। क्या कहलाते हैं? गोनोडोट्रॉफिक हार्मोन दोनों मिलकर कहलाते हैं, क्योंकि गोनोडोट्रॉफिक हार्मोन जो होता है वो सेक्स ग्रंथि के हार्मोन के स्त्राव को नियंत्रित करता है। यह नर में वृषण और मादा में अंडाशय को उत्तेजना होता है और लैंगिक परिपक्वता यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी एवं लैंगिक कार्यों की पूर्णता के लिए आवश्यक होता है। तो इसके अंतर्गत आपका FSH यानी फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड आपका आता है LH यानी कि लिटिन परक हार्मोन जो फॉलिकल FSH होता है यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वह महिलाओं में अंडाणु एंड पुरुषों में शुक्राणु के उत्पादन और उसको विकसित करने का कार्य करता है। जो लिटिन परक हार्मोन होता है LH होता है वो महिलाओं में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन का उत्पादन और नियंत्रण करता है। नेक्स्ट दोस्तों वयस्क अवस्था में थायराइड के अंत स्त्राव यानी कि वयस्क अवस्था में थायराइड के अल्प स्त्राव से कौन सा रोग हो जाता है? तो वयस्क अवस्था में मिक्सीडीमा रोग हो जाता है। वहीं पे आपका बच्चों में पूछता तो क्या हो जाता है? क्रिटेनिज्म यानी कि जड़ वामनता। नेक्स्ट है दोस्तों एडिनोकार्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स, ठीक है, एडिनोकार्टिकोट्रोफिन हार्मोन यानी ACTH का स्त्राव कहाँ से होता है? तो दोस्तों यह पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से स्त्रावित होता है। नेक्स्ट है अंतः स्त्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड वह जो अपना स्त्राव सीधा विसर्जित करती है। तो दोस्तों यह नलिका विहीन ग्रंथि कहलाती है। अंतः स्त्रावी ग्रंथि जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं यह अपना स्त्राव जो हार्मोन स्त्रावित करता है उसको सीधे रक्त में छोड़ता है यानी रुधिर में। नेक्स्ट है ग्लूकागन का स्त्रावण कहाँ से होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ग्लूकागन का स्त्रावण लैंगरहैंस अग्राशय से में उपस्थित लैंगरहैंस की द्वीप समूह की एल्फा कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को लड़ने की तथा भागने के लिए प्रेरित करता है? तो दोस्तों अभी तुरंत मैं बताई हूँ एड्रिनलिन जो हार्मोन होता है एड्रिनल ग्रंथि से, तो यहाँ पे एड्रिनल ग्रंथि सही हो जाएगा। तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले एड्रिनल हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन यानी कि फाइट एंड फ्ले हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार होता है प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए। नेक्स्ट है मधुमेह के रोगी को कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया गया फिर भी उसके मूत्र में ग्लूकोज उत्सर्जित हुआ, इसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है दोस्तों अमीनो अम्ल का उपचय होने से यकृत में शर्करा का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है इंसुलिन का रासायनिक स्वभाव है, तो क्या है दोस्तों इंसुलिन का रासायनिक स्वभाव? कि वह रासायनिक स्वभाव पूछ रहा है तो यह प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है, क्योंकि इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। हार्मोन अक्सर क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है महाकायता यानी कि ग्वेंटिज्म और अग्रातिकायता यानी एक्रोमिलेगी यानी कि हाथ पैर और शरीर का अधिक अति वृद्धि किस कारण होता है? यह दोस्तों
पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी का अति स्त्रावर से होता है, मतलब अत्यधिक स्त्रावर से होता है। नेक्स्ट है, यदि रुधिर में एडीएच यानी एंटी डाययूरेटिक की मात्रा कम हो जाए तो मूत्र की मात्रा क्या होगी? तो दोस्तों एडीएच यानी कि जिसे वेसोप्रेसिन और पिट्रेसिन भी बोला जाता है, जिसे एडीएच यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यह क्या करता है कि वृक्क में किडनी में जल के अवशोषण को क्या करता है, किडनी में जल के अवशोषण करता है, यानी कि वृक्क की वाहिनियों के नेफ्रान और कोशिकाओं में जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे जब ये जल के अवशोषण करता है तो जब इसकी कम हो जाएगी तो जल के अवशोषण नहीं कर पाएगा, तो जब जल का अवशोषण नहीं कर पाएगा तो जल मूत्र के साथ बाहर आने लगेगा तो क्या हो जाएगा, मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस हार्मोन का स्त्रावण तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है? तो दोस्तों किस हार्मोन का स्त्रावण तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है? तो पिट्यूटरी का पश्च पिंड जो होता है वो तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन का स्त्रावण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एस्ट्रोजन का स्त्रावण जो होता है यह एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का आपका स्त्रावण होता है एलएच यानी कि ल्यूटीन परक हार्मोन से, किससे होता है, ल्यूटीन परक हार्मोन से। नेक्स्ट है, एपिनेफ्रिन क्या है? एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रिनलिन जो होता है यह क्या है? तो यह दोस्तों एड्रिनल मेडुला से स्त्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से स्त्रावित होता है तथा हृदय की धड़कन को क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया में इंसुलिन निर्माण नहीं होता, इसमें इंसुलिन निर्माण के लिए किसका इंजेक्शन देना चाहिए? तो दोस्तों जिस कारण से निर्माण नहीं होता उस कारण को हम पहले खत्म करेंगे। तो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए प्लाज्मा दिया जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा में जो होते हैं आपके एंटीबॉडीज वो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। नेक्स्ट है, भीमकायता यानी गैनेटिज्म तथा अग्रातिकायता यानी एक्रोमिलगी किसके अनियमित स्त्राव से होते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि के अनियमित स्त्राव यानी कि अत्यधिक स्त्राव से होते हैं। नेक्स्ट है, जड़वामनता यानी क्रिटेनिज्म किस हार्मोन के अनियमित स्त्राव से होता है? तो जो जड़वामनता क्रिटेनिज्म होता है वह थायरॉक्सिन हार्मोन के अनियमित स्त्राव से होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में पैराथार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों तो पैराथार्मोन की कमी से हाइपोकैल्सिमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपोकैल्सिमिया रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हाइपोकैल्सिमिया यानी कि इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जिसमें कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, एंड दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए और डेली बेसिस से बने रहिए बेहतरीन तैयारी के लिए। एंड फर्स्ट आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।